वेलकम टू माई किचन माई डिश। दोस्तों, अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर आज हम आपको पनीर की एक रेसिपी देने जा रहे हैं। इसे हम पनीर मेथी मलाई कहते हैं। इसके लिए हमने ये आधा किलो पनीर लिया है और इसके ये ऐसे क्यूब्स काट लिए हैं, एक इंच के या आधा इंच के क्यूब्स काट लिए हैं। आप इन्हें बनाते टाइम मनचाहे शेप में काट सकते हैं, हमें यही शेप पसंद है इसलिए हमने ये शेप काटा है। और इसे अब हम सबसे पहले फ्राई करके पानी में भिगो देने वाले हैं। तो हम इसके लिए पैन हमने गरम कर लिया है, फुल 1 कप ऑयल डालेंगे हम इसके, और अब हम इसमें इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए पैन का नॉनस्टिक होना बहुत जरूरी है। ऑयल गरम हो गया है, इसका कितना गरम हुआ है ये हम चेक करेंगे एक क्यूब को डाल के। अभी थोड़ा गर्म होना बाकी है। ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी ऑयल को, जो चीज़ हम फ्राई करने जा रहे हैं उसे उसके अंदर थोड़ा सा डाल के पहले चेक कर लें कि वो कितना गर्म हुआ है। जब वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए उसे निकाल दें, उसके बाद पूरा डालें फ्राई करने के लिए। फिर भी इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा एक साथ नहीं डाल सकते हैं, इसे क्राउडेड नहीं करना है फ्राई करते टाइम पे, नहीं तो फिर पूरा मैस हो जाएगा। ये पनीर हमारा फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। अभी ऑयल पूरा जितना हॉट हमें चाहिए इतना हॉट ऑयल, ध्यान रखिए डालते टाइम पे गैस को स्लो कर लें क्योंकि ये फ्राई होने टाइम पे बहुत उछलता है। इसे ओवर क्राउडेड नहीं करना है। लाइट गोल्डन फ्राई करना है। ये इन्हें हमने लाइट गोल्डन फ्राई कर लिए हैं, अब इन्हें हम निकाल के पानी में डाल देंगे। पानी में इसलिए डालना है क्योंकि ये क्रंची हो जाते हैं और हमें इसका ग्रेवी बनाना है और इसे सॉफ्ट होना चाहिए। अगर फ्राई करके नहीं डालेंगे तो वो कच्चे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें फ्राई करके डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जब ये लाइट ब्राउन इनका कलर भी बहुत अच्छा दिखता है ग्रेवी के अंदर। और इसी तरीके से हम ये पूरी पनीर को के क्यूब्स को फ्राई कर लें। ये हमने सारे पनीर को फ्राई कर लिए क्यूब्स को, इसे हमने भिगो दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल स्पंजी हो गया है, ये स्पंजी हो गया है, बहुत अच्छा फ्राई हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब यही सेम ऑयल जिसमें हमने इसे फ्राई किया है, ये हमने 1 कप डाला था, इस ऑयल को हम इस दूसरे पैन में डालेंगे। ये पैन हमारा छोटा पड़ेगा ना बनाने में, इसलिए हमने डाल दिया। ये ऑयल भी गर्म है और ये भी गरम है। इसके लिए सबसे पहले इसे पकाने के लिए हम ये जीरा, 1 टीस्पूनफुल जीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज के अनियन हमने ऐसे बारीक काटे हैं, ऐसे ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। जीरा फ्राई हो गया है, अब हम ये अनियन इसके अंदर डाल देंगे। और ये 5 टमेटोज हैं, इसे हमने बारीक काट लिया है, इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे सॉटे करेंगे। ये अनियन और टमेटोज हमारे अच्छी तरीके से सॉटे हो गए हैं, इन्हें रेड नहीं करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1/2 टेबल स्पून बारीक कट किए हुए गार्लिक एंड बारीक कटे हुए जिंजर एंड गार्लिक, और इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, और ये टर्मरिक पाउडर मींस हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स,
आप इसे चिली और सॉल्ट को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर अभी इसमें जाएगा ये एक कप फ्रेश क्रीम, वन कप फ्रेश क्रीम, और इसे अब सब चीज़ों को मिला के अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है, मसाला भुन रहा है। इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, मलाई भी अच्छे से भून जाना चाहिए और मलाई में का जो फैट है, प्योर घी है, वो बाहर निकल आना चाहिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ये नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है, और ये कसूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इन सब को मिलाकर इसे अच्छी तरीके से भूनना है। ये भूनते बराबर ही रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये भीगी हुई पनीर, ये जो भीगी हुई पनीर है ये एकदम स्पंजी हो गई है, इस पनीर को ऐड करेंगे। इस पनीर को इसके अंदर डाल के ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी वगैरह ठीक करने के लिए यही पानी यूज़ करना है जिस पानी में हमने इसे भिगोया है पनीर को। ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये ऐड करेंगे, पक चुका है मसाला पूरी तरीके से। अब हम ये पनीर इसके अंदर फ्राई की हुई और भिगोई हुई पनीर इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमने सारी पनीर इसके अंदर ऐड कर दी। अब ये मसाला बहुत भुना हुआ है, अभी गरम गरम है तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ठंडा होते बराबर ये बिल्कुल सूख सा जाएगा, ऑयल इसमें से सेपरेट रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड करूँगी। इसके अंदर आप जो चाहें और दूसरी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, स्प्राउटेड सीरियल्स मीन्स स्प्राउटेड दालें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए हमने ये पानी थोड़ा सा डालना है, एक कप के जितना पानी हमने डाला है इसके अंदर। इस पनीर को जो लोग डाइट वगैरह के ऊपर हैं वो लोग भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें से ऑयल हटा के इस तरीके से इसे निकाल के, और जो लोग डाइट के ऊपर हैं, किडनी पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है जिन्हें परहेज पे स्पेशल डाइट पे रखा गया है, वो लोग भी ये खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस, गरम मसाले ये चीज़ें नहीं पड़ी हैं। अभी हम इसके अंदर पुदीना, कोतमीर, और कुछ लोग इसके अंदर पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन पालक किडनी पेशेंट के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए पालक वो लोग ना खाएँ। स्प्राउटेड दालें खा सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। स्प्राउट्स भी नुकसान देते हैं किडनी पेशेंट को। इसमें थोड़ा और पानी आएगा, अभी हमने एक कप पानी डाला था, एक कप पानी हमने और डाला है, मीन्स जिस पानी में हमने भिगोया था वो पूरा पानी इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए आ गया है। अब इसे हम 4-5 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट तक हम फास्ट पे पकाएंगे, उसके बाद 4-5 मिनट तक इसे स्लो पर ढक कर पकाएंगे, और बस ये रेडी है। इसे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और पुदीने से सजाकर खाने के लिए पेश करें। अच्छे से अच्छे को भूख लग जाएगी, चपाती के साथ, नान के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं इसे, तंदूरी रोटियों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे अब हम ढक कर थोड़ी देर पकाएं, जितना टाइम हमने बताया। ये मलाई मेथी पनीर हमारी बन के तैयार हो गई है, हमने गैस ऑफ कर दिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कसूरी मेथी का बहुत शानदार फ्लेवर इसमें आता है, मलाई का फ्लेवर आता है। डाइट वाले लोगों को इसमें से फैट को निकाल देना चाहिए। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए, अपने घर के सारे परिवार के लोगों को खिलाइए। खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।